देश में आज भी धान सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल में शामिल है। खरीफ सीजन की इस अहम फसल का प्रबंधन बहुत जरूरी है। एक तरफ उपज बढ़ाने पर जोर देना होगा, दूसरी तरफ लागत को कम करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन की। भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा, उर्वरक देने की विधि और समय का भी फसल की वृद्धि पर असर पड़ता है। पोषक तत्वों की आदर्श मात्रा को ठीक समय और उचित तरीके से देने पर धान की फसल इनका समुचित उपयोग कर पाती है। धान की खेती में 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर उर्वरकों को अनुशंसित किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत में मिला दी जाती है, जबकि बाकी की मात्रा दो हिस्सों में बांटकर डाली जाती है। देखिए, धान लगे हुए अब करीब करीब दो महीने होने को आ गए हैं। जिन किसान भाइयों ने मिट्टी की जांच कराकर उसके हिसाब से पोषक तत्व डाले हों, जिसमें खास तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ साथ जिंक का भी इस्तेमाल किया हो, तो वो देखेंगे कि अच्छी उनकी जो फसल है वो उसकी हरी भरी दिखेगी और मजबूत दिख रही होगी। नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा बच गई है, यानी 60 किलो नाइट्रोजन को दो बराबर हिस्सों में बांटकर पहला कल्ले बनते समय और दूसरा बाली बनने की शुरुआती अवस्था पर इस्तेमाल करना चाहिए। पर ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को चाहिए कि जो मुख्य अवस्थाएं हैं पौधे की, जिस पे उनको सिफारिश दी जाती है हर बार कि दाना भरते समय आपको जो है वो यूरिया देना चाहिए, एक बार उसका इस्तेमाल करना चाहिए नाइट्रोजन का, जिससे कि वो मजबूत दाना बने। वैसे तो नाइट्रोजन की बाकी बची मात्रा को ज्यादातर किसान टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से दे देते हैं, लेकिन अगर 2-3% यूरिया के घोल का छिड़काव कल्ले बनते और बाली बनते समय फोलियर स्प्रे के तौर पर कर दिया जाए तो पौधों का विकास बेहतर होगा। यूरिया के टॉप ड्रेसिंग के दौरान ये ध्यान जरूर दें कि खेत में ज्यादा पानी ना लगा हो। अगर ऐसी स्थिति बन रही हो तो खेत से पानी निकाल दें। अब बात धान की फसल में लगने वाले सबसे हानिकारक कीट तना छेदक यानी स्टेम बोरर की। ये कीट तने के मुलायम भाग को काटकर खाता है, जिससे कि पौधा बीज से सूखने लगता है और पौधे का ऊपरी भाग से अलग होकर गिर जाता है। इस कीट पर नियंत्रण करने के लिए 1 लीटर मोनोक्रोटोफास 36 EC या 1.5 लीटर क्यूनालफास 25 EC दवा को 800 लीटर पानी में मिलकर छिड़काव करें। जो किसान स्प्रे करने से बचना चाहते हैं, वे दानेदार फॉरेट या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक तो यह है कि इस समय तना छेदक कीट लगा हुआ है और गोब सूख जाती है, बाली सूखती है, ये तो पहचान है उसकी। क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे करेंगे 0.5 लीटर प्रति एकड़ और 30 लीटर पानी में उसका घोल बना लेंगे 1 बीघा के लिए, उसका स्प्रे करेंगे या कार्ड आप भी बखेर सकते हैं करो बीघा। तना छेदक के अलावा धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला जो दूसरा हानिकारक कीट है वो है गंधी बग। इस कीट से एक खास किस्म की दुर्गंध आती है और इसके शरीर के ऊपरी हिस्से में तिकोना सा आकार बना होता है। धान में इस कीट का आक्रमण बालियों के निकलते समय होता है और ये कीट धान की बालियों में दूध उतरते ही इनका दूध चूसने लगते हैं, जिससे दाने ठीक तरह से नहीं बन पाते। इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल की रोपनी के बाद खेतों की नियमित पड़ताल करनी चाहिए। इस दौरान अगर आपके खेत में इस कीट का प्रकोप अधिक दिखाई दे तो फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है, जिसके लिए मिथाइल पैराथियन दवा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बुरकाव करना चाहिए। भूरा धब्बा एक बीज जनित रोग है। इस रोग में धान की फसल को जड़ से लेकर दानों तक को नुकसान पहुंचता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, पौधों की बढ़वार कम होती है, दाने भी प्रभावित हो जाते हैं। ये धब्बे आकार में बहुत छोटी बिंदी से लेकर गोल आकार के होते हैं। रोग जब विकराल रूप धारण करता है तो पौधों के नीचे से ऊपर पत्तियों के अधिकांश भाग धब्बों से भर जाते हैं। ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और पत्तियों को सुखा देते हैं। दवाएं ये कार्बन एनियम प्लस सी प्लस एम कहते हैं, कार्बन एनियम प्लस मैंगोज
और एक इंसेक्टिसाइड मिलाएंगे उसमें। इस तरह सही समय पर उर्वरकों की सही मात्रा का इस्तेमाल कर और कीट रोगों की रोकथाम कर आप धान की फसल से अच्छी उपज ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।